हेलो एवरीवन, मैं अनीता, अनीता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सबके लिए आलू पैटी बर्गर। इसके लिए मैं आलू बॉयल कर लिए मैंने, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, कॉर्नफ्लेक्स मैंने पीस लिया है, आरोर, चने की दाल मैंने सोख कर रख ली थी, मटर, पत्ता गोभी, और ये मैदा है मैंने 2-3 चम्मच ना पानी में घोल लिया है, और ये बर्गर बने। सबसे पहले हम आलू मैश कर लेंगे। आलू अच्छी तरह मैश करने, मेरी भी इसमें मोटी मोटी गांठ नहीं होनी चाहिए, ये टिक्की में आएगी। आलू मैश हो गए, इसमें डाल रही हूँ मैं काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, ज्यादा कम आप कर सकते हो। इसमें डालूंगी आरोट, आरोट में कम यूज करी, जो टिक्की में आरोट नजर ही आता है, इसमें कम ही डाल रही हूँ मैं। अब इन सबको मैश कर लूंगी। आलू हमारे सारे मैश हो गए हैं, अब इसको बाइंड होने के रख देती हूँ मैं। मैंने गैस पे फ्राई पैन चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, छोटी 2 चम्मच के करीब। गैस थोड़ा तेज कर लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है, इसमें ये चने की दाल थी वो डाल दें, थोड़ी सी उसको वॉश कर लेंगे। डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा और हल्की सी लाल मिर्च, बिल्कुल बस इतनी सी, और ये मटर थे ना ये डाल दूंगी इसमें, इन सबको मिला के डाल दूंगी, और इसी में फिर मैं सब्जी करूंगी। धनिया की और मटर हो गए थे, अब मैं इसमें एक थोड़ा तेल डाल रही हूँ। मुझे प्याज और शिमला मिर्च वगैरह में सब्जी काट के रखी थी ना, मैं उसको थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ, वो ना टिक्की में फिर बर्गर में अच्छी तरह लग जाती है, नहीं तो फिर लगती नहीं है। पहले डालू प्याज, शिमला मिर्च, ये टमाटर है, पत्ता गोभी। वैसे बर्गर में खाते हो तो कच्ची कच्ची मुंह में आती है, साइड में सारे गिर जाता है, ये हल्का सा रोस्ट कर दूंगी, गिरेगा नहीं, खाने में भी अच्छा लगेगा। और स्वाद भी अच्छा आएगा। बाहर हम बर्गर खाते हैं साइड से टमाटर निकल जाता है, उसे एक तरफ से प्याज निकल रही होती है, सारा तो वो गिर जाता है, मतलब कई बार बाहर जाए बर्गर खाते सारा निकल जाता है मसाला अंदर का, इसे अगर मैं ऐसे करके डाल रही हूँ, हल्का सा रोस्ट जाएगा तो अच्छा लगेगा। हल्का सा नमक डाल देती हूँ तो टेस्ट के लिए, बिल्कुल ये टिक्की में भी नमक है, मुझे हल्का सा डाल दी। ये अच्छे से हल्का कच्चा भी है, ये खाने में अच्छा लगेगा, कर कर बोलेगा ना मैं क्रिस्पी था तो अच्छा भी लगेगा। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ गैस बंद करके। अब पहले टिक्की बना लेते हैं। मैंने हाथ में तेल लगा लिया था, आलू लेना है आराम आराम से, बिल्कुल ऐसे इसको कटोरी टाइप में बनाना है हमने, ऐसे करके बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, ऐसे करके जो चने और मटर हमने भुने थे ना उसको हल्के ऐसे करके हल्के हल्के हाथ से बंद करना है, बिल्कुल ऐसे देखो ये बंद हो जाएगा,
अब इसको टिक्की की शेप देते हुए दबाना है। ये आराम से बन जाती है बिल्कुल। अब इसको मैं इसमें जो मैदा भिगोया था ना मैंने पानी के अंदर, उसके अंदर ऐसे कर रही हूँ हल्का सा। कॉर्नफ्लेक्स लगा दिया मैंने इसमें। अभी है ना जब फ्राई करेंगे ना क्रिस्पी हो जाएगी एक बहुत अच्छी तरीके से। बना के सारी प्लेट में रखनी है ऐसे। ये टिक्की मैंने सेट होने रख दी थी कॉर्नफ्लेक्स लगा के। अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई पैन मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी मैं टिक्की फ्राई करने के लिए। टिक्की मैं एकदम क्रिस्पी सी करूंगी, जैसे आप केएफसी वगैरह में खाते हो ना, मैक भी केएफसी में बर्गर में भी लगी होती है, और जैसे केएफसी चिकन खाते हो इसका बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा। आप भी अपने घर में बनाना और बना के उसका टेस्ट फिर मुझे लिख के बताना। ये ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इस पर टिक्की डालूंगी। टिक्की डाल के ना हम छोड़ देंगे जब तक एक तरफ से अपना आप फ्राई ना हो जाए, तब तक इसको छेड़ना नहीं, तो ये टूट जाएगी। कई लोग करते हिला देते हैं इसको तो फ्राई नहीं हो पाती। एक तरफ से पक गई है, अब मैं इसको धीरे से पलटूंगी कि तेल से भी बचना, तेल की छींटे आ जाती है। तो धीरे धीरे, और गैस मैंने सिम कर रखा है बिल्कुल, सिम गैस पे पकाना, जी अंदर तक पक जाएगी आराम से और क्रिस्पी भी अच्छी तरह हो जाएगी। देखो एक तरफ से कितनी अच्छी हो गई ना, बिल्कुल धीरे धीरे करना, तेज करोगे तो हाथ में भी शीट आएगी। अब एक टिक्की इसमें और डाल देती हूँ मैं टिक करके। मैंने गैस बिल्कुल सिम कर रखा है, फिर मत बोलना मैंने बताया नहीं, गैस बिल्कुल मैंने सिम कर रखा है, किसी गैस पे ही पकनी चाहिए। टिक्की हो गई है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, प्लेट में रख दूंगी इसको मैं। सारे टिक्की में इसमें फ्राई कर लूंगी। ये टिक्की बन के सारी तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखा दूँ कितनी क्रिस्पी है ये। आवाज़ आ रही है, देखो केएफसी ऐसी बन गई है, और इसके अंदर ऑयल भी नहीं है। अब मैं इतने बर्गर सेकती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। फ्राई पैन मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, इस पर मैं बर्गर सेकूंगी, बस आसपास से काटूंगी नहीं, आसपास सेकूंगी बस हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का हल्का ऑयल लगा के। बिल्कुल जरा सा ऑयल लगाऊंगी, बस चिपके नहीं इसके अंदर। फ्राई पैन को ऐसे कर लेते हैं, सारे फैला लेते हैं, बस ऐसे रख के सेकने हमने दोनों तरफ से। गैस में सिम कर रहे हैं, बर्गर पलट के सेक लेते हैं हम लोग। ऐसे ही सारे सेकने, बस ये सिक गया है, इसको उतार लेती हूँ। भाई इतना ही सेकना है हमने, इससे ज़्यादा नहीं सेकना। इस सब्जी के अंदर मैं मिला रही हूँ मेयोनीज। मैं मेयोनीज कम ही डालूँ क्योंकि मैंने सब्जी ना रोस्ट कर ली थी ना थोड़ी सी, तो वैसे भी जूसी हो चुकी है। ये तंदूरी सॉस है, थोड़ी तंदूरी सॉस डाल रही हूँ। इन सबको मिक्स कर लेंगे आराम से। ये सारा मसाला मिला हुआ है, सब चीज़ें। अब मैं ये बर्गर लेती हूँ, बर्गर सारे सिक गए थे, इसको मैं अंदर से सारे को कट कर लूँगी, सारे बर्गर को ऐसे आपको कट करने हैं, बस ऐसे खोलना है, पूरा नहीं काटना। ये लगा रही मैं रेड सॉस, इसमें आप कम ज़्यादा लगा सकते हो, मुझे कम पसंद है तो मैं कम लगा रही हूँ।
इसमें डालूंगी सब्जी, ये सब्जी में रखूंगी टिक्की में। ये चीज़ चीज़ मेरी बेटी को बहुत पसंद है, इसमें चीज़ लगा रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप मत लगाना, और है तो वैसे पनीर भी लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, सब्जी से भी काम चल जाएगा। ये थोड़ी सी तंदूरी सॉस लगा रही हूँ मैं, इसको बंद कर दूंगी। एक मैं आपको बिना चीज़ का बना के दिखाती हूँ, इसमें चीज़ नहीं लगाऊंगी। इस पे आप थोड़ी सी मेयोनीज लगा लो अगर आप मेयोनीज खाते हो तो। एक तरफ रेड सॉस लगा लो अगर आप खाना पसंद करते हो रेड सॉस मेयोनीज, तो ऐसे भी खा सकते हो, जरूरी नहीं है। इस पे सब्जी लगाओ, सब्जी अच्छे से लगाना है, अगर चीज नहीं खाते पनीर नहीं खाते तो सब्जी ज्यादा सी लगा लो, सब्जी भी टेस्ट आ जाएगा और अच्छी भी लगेगी सब्जी से। इस पर रखी टिक्की, इसको बंद कर दिया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। आपको फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।